हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू प्रेप ऑन आईएएस। इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, इन द लास्ट थ्री लेक्चर वी हैव सीन सम ऑफ द वेरिड क्लाइमेट्स, कल्चर्स एंड लाइफ फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वी हैव सीन दैट हाउ पीपल लिव इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट, what are the properties of those climate and the rainforest. Then we have already seen the life form and the way of life in the Gangetic Valley and the Sahara Desert. Today we will see one more topic, and this is our last lecture of the 7th class NCERT, that is a cold desert, which is very important for India as a integral part of national territory, the Ladakh, the cold desert of Ladakh. Although it is a desert, although it is extremely cold, however, it is as important to us as a territory that we have to understand its culture, we have to know and familiarize with this territory and give importance to its people and life forms. So today we will see the Ladakh. लद्दाख की बात करें तो ये क्या एक कोल्ड डेजर्ट है, जो कि इन्होंने तो लिख रखा है एनसीईआरटी में लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस, पर अगर हम थोड़ा सा सही मायने में बोलें तो ये ग्रेट हिमालयस में नहीं है, ये बियॉन्ड हिमालयस है। जो हिमालयस की जो चेन तीन चेन रन करती हैं पैरेलली, है ना, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक या लेसर हिमालयस, उसके बियॉन्ड है, तो इन्हें क्या बोल देते हैं हम, ट्रांस हिमालयस। तो लद्दाख कहाँ है, बियॉन्ड हिमालयस या ट्रांस हिमालयस, ये तो हो गया ग्रेट हिमालयस। देन उसके बाद एक और छोटी सी चेन आती है, माउंटेन चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जस्कर माउंटेन चेन, जस्कर माउंटेन चेन है। देन लद्दाख की अपनी छोटी सी माउंटेन रेंज है, लद्दाख रेंज ये लिख रखी है, और फिर इसके और नॉर्थ ईस्ट में कौन सी माउंटेन रेंज है, काराकोरम, जो कि हिमालय के बाद जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, उसे यहाँ पे कहीं वो माउंटेन K2, गॉडविन ऑस्टिन भी बोल देते हैं, बोलते हैं उसे, K2 भी बोलते हैं, वो इसी माउंटेन चेन में एग्जिस्ट करता है। तो जस्कर और काराकोरम के बीच में एक माउंटेन रेंज है जो कि बहुत ज़्यादा, एज कम्पेयर टू जस्कर और काराकोरम, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, आप कह लीजिए वाटर की वजह से, पानी की वजह से उसमें काफ़ी दरारें हैं, वो वैली हैं वो जहाँ लोग रहते हैं, तो ये लद्दाख की वैली में लोग रहते हैं, और लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह है। तो ये समझ लीजिए दो बड़ी माउंटेन रेंज के बीच में एक छोटी सी माउंटेन रेंज है जो कि फ्रेगमेंटेड है, वहाँ कई सारी नदियाँ जो कि इनमें से ग्लेशियर से निकलती हैं, फॉर एग्जाम्पल सियोक हो गई, इंडस जो कि तिब्बत से आती है वो इनके थ्रू फ्लो करती है, और भी कई सारी नदियाँ हैं, और ये पूरा रीजन कौन सा रीजन है, ग्लेशियर्स का रीजन है। ग्लेशियर्स की हम बात कर चुके हैं, क्या है, क्या होते हैं, बर्फ जमी रहती है पहाड़ों पे और वो धीरे धीरे पिघलती रहती है, जहाँ टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के करीब हो, 0 डिग्री सेल्सियस के करीब हो, वहाँ पिघलती रहती है। हाई रीचेज में तो टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, पर जो लो रीचेज हैं वहाँ टेम्परेचर 0 के करीब आ जाता है, तो उनसे फिर ये नदियाँ निकलती हैं। और आपको याद रखना है सियोक जो रिवर है वो कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, और ये UPSC में भी पूछा जा चुका है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट और सबसे बड़ा ग्लेशियर है बियॉन्ड जो पोलर रीजन है, या फिर पोलर आइस कैप और ग्रीनलैंड को छोड़ दें तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, और थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं, पर उससे पहले हम लद्दाख की भी एज ए पॉलिटिकल बॉडी बात करते हैं। ये थोड़ी सी बात हो गई काराकोरम और माउंटेन रेंज के बीच में, और एक साइड जस्कर है, जस्कर भी बोल देते हैं, इंडस मेन रिवर है, सियोक भी है, और ग्लेशियर्स सियाचिन तो है ही, एक गांगरी ग्लेशियर कहाँ है, का जो लद्दाख रेंज है उसी में है, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो तो K2 रेंज में है। लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ला एंड डाक। अब ये ला का मतलब होता है तिब्बतन, या उधर की लैंग्वेज में आपको जो
नॉर्थ ईस्ट में जाओगे और पूरा तिब्बत से जो सटा हुआ एरिया है उसमें जाओगे तो उसमें आपको मिलेगा ला का मतलब होता है माउंटेन पास, क्योंकि वो माउंटेनस एरिया है तिब्बत खुद ही, तो वो माउंटेनस पास है एक। ला मीन माउंटेन, माउंटेन पास, एंड डाग मीन्स कंट्री, ऐसी कंट्री, ऐसा देश जहाँ के बहुत सारे माउंटेन पास हैं या फिर रिवर वैलीज हैं। माउंटेन पास क्या होता है, कहीं ये माउंटेन चेन है इसमें ऐसा लो एरिया जिसके थ्रू आप इन माउंटेन्स की जो चेन है उसे क्रॉस कर सकें, इधर से उधर जा सकें, उसे हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन पास। फॉर एग्जाम्पल माना ला, बारा लाचा ला, ये सारे क्या है, माउंटेन पासेस के नाम है जो कि यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनकी बात आगे करेंगे, फिलहाल ये समझ लीजिए कि ला का मतलब माउंटेन पास है। ड्रास, यहाँ पे एक जगह है लद्दाख में ही करीब इधर, आप ये समझ लीजिए, वहाँ पे ड्रास एक जगह है, वो इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ, लोकेटेड इन लद्दाख। आप सोच रहे होंगे 36 डिग्री सेल्सियस पे बैठा हुआ है लद्दाख, और जो भी ये इंडिया का जो ये पोर्शन है कश्मीर वाला, लद्दाख वाला, तो ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पे इतनी ठंड क्यों पड़ रही है जितनी कि पोलर रीजन में। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाएंगे, सॉरी ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे क्या है, टेम्परेचर घटता है। और अगर आप लद्दाख की बात करें तो यहाँ का एवरेज एल्टीट्यूड कितना है, एवरेज लैटिट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड, ऊंचाई कितनी है, एवरेज आप कह सकते हैं 4,500 मीटर यहाँ की एवरेज ऊंचाई है, और 4.5 किलोमीटर अगर आप ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएं तो हर 1 किलोमीटर के साथ लगभग 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 4.5 किलोमीटर में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिल्ली या और कोई सिटी जो कि प्लेन्स में लाई करती है। तो इसलिए ये ठंडे रीजन्स हैं, और इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स फ्लो करती हैं। थोड़ी सी ज्योग्राफी या आप कह लीजिए टोपोग्राफी की बात हो गई, लैंड फॉर्म्स की बात हो गई, अब हम आ जाए क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट आप समझिए, मैंने अभी आपको बताया इधर कौन सी ग्रेट हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज है बेसिकली, तो वो इधर से जो भी मानसून की बरसात ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इस साइड से तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा क्या है, कंटिनेंटल एरिया है, जो सर्दियों में हवा आती है ठंडी हवा, इस साइड से साइबेरिया से वो क्या है, बहुत ठंडी रहती है और उनमें मॉइस्चर बहुत कम रहता है, ठीक है, तो उधर से बरसात नहीं होने वाली। तो फिर किधर से हो सकती है, इधर से हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये क्या है, ये माउंटेन एज ए बैरियर एक्ट करता है, और जो बरसात है वो इसी साइड हो जाती है, इस साइड क्या है सूखा पड़ता है, और लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है ईच ईयर। अगर हम एवरेज ले लें तो लेस देन 10 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल होती है। ये क्लाइमेट की बात हो गई, तो ये ऐसा हो गया, एक ड्राई रीजन हो गया जो कि साथ में क्या है, कोल्ड है, तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, कोल्ड डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट तो अंटार्कटिका है, पर अगर हम अंटार्कटिका के बाहर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, गोबी, कहाँ, इसी के आप नॉर्थ में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में, तो चाइना और मंगोलिया का जो पोर्शन है उसमें कुछ लाई करता है गोबी डेजर्ट, जो कि काफ़ी ठंडा होता है। ये देखिए रेन शैडो है ये, और लगभग 10 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ होती है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान, विच मीन्स स्नोलैंड, खापाचान, प्लीज़ याद रखिए, यूपीएससी भी कोई कोताही नहीं करता है एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछने में, किसी भी दिन पूछ लेगा कि खापाचान का मतलब क्या होता है लद्दाख की लोकल लैंग्वेज में, ये भी लिखेगा वो। फर्दर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे भी किताब पढ़ के ही पता चली, वो ये थी, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड, आप सूरज की धूप में बैठी है और पर ऐसा कीजिए कि आपके जो छाया है वो आपके पैरों पर पड़ जाए, या फिर आप पैरों को आपने ढक लिया है ऐसे ही बिना कपड़े के जैसे छाया पड़ रही हो, तो आपको एक ही टाइम पे क्या हो सकता है, बहुत सनस्ट्रोक भी हो सकता है,
गर्मी भी लगेगी आपको, जो रेज हैं वो इतनी इंटेंसिव होती हैं 4.5-5 किलोमीटर की हाइट पे सन रेज, क्योंकि वहाँ जो प्रोटेक्शन है एटमॉस्फेयर का वो नहीं रहता है, तो वहाँ इंटेंसिव सन रेज रहेंगी। और अगर आपने पैरों पे सन रेज नहीं पड़ रही हो, पैर खुले हैं, तो आपको पता है, मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हो सकता है मान लो वहाँ -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आपके साथ में पैर जम भी जाएंगे और सर पे आपको चक्कर आ जाएंगे धूप से, ये वहाँ एक साथ हो सकता है, ये खास बात है याद रखना है, ये माउंटेनस एरियाज में होता है। थोड़ा इसको और मैं बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है माउंटेन्स में क्या होता है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होती है, जो अपर एटमोसफेयर है इसके ऊपर उसकी थिकनेस या आप कह लीजिए डेंसिटी एयर की बहुत कम होती है, जो सनरेज आती हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है, तो दिन में तो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और जो धूप की इंटेंसिटी है बहुत हाई रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, जैसे ही रात होती है वैसे ही क्या होता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर रात में भी नहीं है, तो री रेडिएशन की वजह से यहाँ टेम्परेचर इतना सडनली ड्रॉप करता है और इतने नेगेटिव में चला जाता है। जैसे कि लद्दाख की बात करें हम, तो गर्मियों में जब मई जून है इंडिया में, तब लद्दाख में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है डे में वो कितना पहुंच जाता है, आप कह लीजिए 0, -1 या फिर +2, है ना, मैक्सिमम +3, +4 तक, लेकिन रात में वही टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है जैसे ही सन गायब होता है, -30 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों की तो बात ही छोड़ दो, सर्दियों में तो हमेशा ही टेम्परेचर -20-30 के नीचे रहता है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें, कंडीशंस कैसी हैं क्लाइमेट की और रेनफॉल की एक्सट्रीम, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो वाइल्ड लाइफ होगी, फ्लोरा फौना होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या रेजिलियंट नहीं होगा जैसे कि रेन फॉरेस्ट में होता है। सिंपल है, क्योंकि यहाँ जो क्लाइमेट है वो हार्श क्लाइमेट है, तो यहाँ कुछ ही स्पीसीज सरवाइव कर पाती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एक लिमिट के बाद ट्री ग्रो करना बंद हो जाते हैं माउंटेन्स पे, कि किसकी वजह से, टेम्परेचर घटने की वजह से, यहाँ तो रेनफॉल भी कम होती है टेम्परेचर के साथ साथ, तो ड्यू टू हाई एरिडिटी, एक तो पानी की कमी है, द वेजिटेशन इज स्पार्स, कहीं आपको पेड़ पौधे दिखेंगे या फिर घास दिखेगी, देयर आर स्केंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। ग्रासेस के कुछ कुछ पैचेज उगाते हैं जो कि मेनली गर्मियों में उगते हैं और सर्दियों में बर्फ के नीचे जम जाते हैं, जैसे कि अलास्का या साइबेरिया में जो होता है, टुंड्रा टैगा रीजन में, या टुंड्रा भी कह लीजिए उसी रीजन में जैसे होता है, एंड ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपलार्स आर सीन इन द वैलीज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ग्रोव्स क्या होता है वो बताता हूँ आपको मैं। ग्रोव्स होता है, एक तो होता है नेचुरल वेजिटेशन और एक होता है पूरा ह्यूमनली मैनेज्ड, ग्रोव्स होता है इन बिटवीन, आपने कुछ पेड़ लगाए और फिर वो नेचर के हवाले छोड़ दे, थोड़े बहुत आप देख रेख भी कर रहे हैं, उनकी केयर भी कर रहे हैं, पर मेनली वो फिर नेचर के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसे चीज़ों को हम ग्रोव्स बोल देते हैं। और कई सारी ट्राइब्स अपने कुछ जो फॉरेस्ट एरिया है उसको सेक्रेड मान के प्रोटेक्ट करती हैं, तो उन्हें क्या बोल देते हैं हम, सेक्रेड ग्रोव्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रोव्स भी बोल देते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स। ये नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब बहुत करती हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोल देते हैं, एनिमिस्टिक ट्राइब। एनिमिज्म एक रिलीजन होता है जिसमें किस सबसे ज़्यादा किसको पूजा जाता है, जो नेचर को, पेड़ पौधे, जो जीव जंतु हैं, रिवर्स हैं, उनको पूजा जाता है, तो ये इन्हें एनिमिस्टिक भी कह देते हैं। और ऐसे ट्राइबल लोग अपने जो बायोडाइवर्सिटी है, अपनी जो लाइफ एंड लाइवलीहुड है, उसे बचाने में मदद करते हैं। तो ब्लो एंड पोपलार, जो ठंडे रीजन के जो पेड़ हैं उनके कई सारे हमें एक आप कह लीजिए मैनेज्ड गार्डन या मैनेज्ड फॉरेस्ट मिल जाते हैं, आर सीन इन द वैलीज, वैलीज में जहाँ की हाइट भी कम है और रिवर्स का पानी भी है, तो वहाँ टेम्परेचर भी इतने लो नहीं होते हैं और वाटर की भी अवेलेबिलिटी है, तो ये ट्री कहाँ कर पाते हैं ग्रो, वैलीज में, ये याद रखना है। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रीकोट एंड वॉलनट्स, कश्मीर के क्या फेमस हैं, सेब, तो ये सारी चीज़ें वहाँ गर्मियों में होती हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, रोविंस, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड होपो,
आर कॉमन इन सारी स्पीसीज के, प्लीज़ एक एक बार नेट पे जाके आप इमेज देख लीजिए, जिससे आपकी जो मेमोरी है लॉन्ग टर्म हो जाए। और ये यूपीएससी पूछ लेती है कि ये जो एनिमल है कॉमनली कहाँ फाउंड होता है। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर माइग्रेटरी, द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स। एक तो गोट्स है जो डोमेस्टिकेटेड है, एक होती है वाइल्ड गोट जिसे डोमेस्टिकेट नहीं किया है। वो आप देखना कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री या जिसकी भी देख रहे, सीधे खड़े पहाड़ों पर चट्टान पर पैर रख के हो, उस जो बकरी है उसका साइज भी छोटा रहता है, पैर भी मजबूत रहते हैं और उसके जो खुर काफ़ी मजबूत रहते हैं, वो सीधे इन चट्टानों पर सीधे ऊपर नीचे चढ़ जाती है। यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड आप देखना, बीबीसी की बहुत फैंटास्टिक चीज़ें दे रखी हैं, कैसे वो स्नो लेपर्ड स्नो टाइगर को यहाँ डिफीट कर देती हैं। वो बकरियाँ इन पहाड़ों की चढ़ाई में कूद जाती हैं नदियों में सीधे नीचे, वहाँ से आपको लगेगा कि सीधी खड़ी दीवार को बकरी सिर्फ थोड़े थोड़े जो रॉक निकली हुई है उस पर पैर रख के चढ़ रही हैं, बकरियाँ और स्नो लेपर्ड। तो ऐसे कई सारे जानवर वहाँ मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपने जब भी पहाड़ी जानवरों का साइज देखा होगा तो वो जो हमारे प्लेन एरियाज हैं उनके जानवरों से उनका साइज छोटा होता है। तो उनकी दो वजह है, पहले पहला है कि आपको जो फूड मिल रहा है पहाड़ी एरिया में वो क्या है, लिमिटेड है, तो आपका साइज ऑब्वियसली लिमिटेड ग्रो करेगा। और जो ज़्यादा खाने वाले जीव जंतु हैं वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में बाई नेचुरल सिलेक्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो छोटे जो कम खाने पर सर्वाइव कर रहे हैं वो रह पाए। सेकेंड, उनकी बॉडी स्टर्डी होती है और टांगें लंबी नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसे ठंडे एरिया में उन्हें हीट कंजर्व करनी है। उसका बेस्ट तरीका है कि आप अपनी बॉडी को स्टर्डी बनाओ या छोटी रखो, गोल मटोल बनाओ, और लंबाई जो कि पार्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर को वो कम से कम हो, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है तो आपको फिर ये डिज़ाइन बाय नेचुरल सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि ह्यूमंस के कजन्स रहे थे, जो कि मॉडर्न ह्यूमंस में ही गिने जाते हैं, क्या नियंडरथल्स। अगर आपने कभी सुना हो वो कौन से एरिया में रहते थे, ठंडे एरिया में रहते थे यूरोप के, जब आइस एजेस पड़ रही थी जहाँ पूरा जमा हुआ था। तो उनकी बॉडी भी एज कम्पेयर टू मॉडर्न ह्यूमन जो कि अफ्रीका से माइग्रेट हुए हैं, उस उनके कंपैरिजन में उनकी बॉडी शॉर्ट थी और स्टर्डी थी, चौड़ी थी उनके कंधे, और जो ये आप चेस्ट बोल दीजिए वो चौड़ा था, और ओवरऑल हाइट कम थी टू कोप अप विद द विंटर्स ऑफ द आइस एजेस इन द यूरोप में, जो ठंडी पड़ती थी आइस एजेस के टाइम पे, उससे कोप अप करने के लिए उनका ये शरीर फेवरेबल था नेचुरल सिलेक्शन से। यहाँ देखिए, द चिरू और तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीसी। एंटीलोप क्या होते हैं, आप कह लीजिए जो हिरन वगैरह होते हैं उन्हीं की स्पीसीज को हम इन जनरल एंटीलोप बोल देते हैं, उन्हीं की स्पीसीज से जो फैमिली बनती है। इट्स हंटेड फॉर वुल नोन एज सैतूस, का नाम सुना होगा, विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। वंस अगेन दिस इज अडॉप्शन, क्या है अडॉप्टेशन या अडॉप्शन बोल लीजिए आप, वो है कि आप उन जो ठंडे क्लाइमेट में सर्वाइव करना है तो जो आपके हेयर ग्रो करेंगे वो ऑब्वियसली बेस्ट क्वालिटी के रहेंगे, जो कि आपको किससे ठंडी से बचा सकें, और इसीलिए इसको एंडेंजर्ड कर दिया ह्यूमंस ने, पोच कर करके या मार मार के किलिंग करके। और इसके अलावा एक और वहाँ पश्मीना, पश्मीना एक गोट होती है, वो उसकी भी जो वुल होती है या कह लो हेयर होते हैं, उसके भी जो हेयर होते हैं वो भी इसी क्वालिटी के होते हैं, वो भी बहुत हाई डिमांड में है। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट, वाइल्ड सीप, याक। आपने अगर तिब्बत का कोई भी मूवी देखी हो या फिर लद्दाख की, तो वहाँ एक हमारे जैसे बुल नहीं रहता है जो फालतू आवारा सांड सड़कों पर घूमते रहता है, उसी का छोटा भाई समझ लीजिए, बड़े बड़े सींग टाइप के, और वो घूमता रहता है वहाँ, उसी को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, उसी से अपनी जो भी बैलगाड़ी चलाते हैं। एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स, डॉग्स भी होते हैं वहाँ, जो कि वंस अगेन छोटे होते हैं साइज में और पैर भी छोटे होते हैं और उसी के लिए बने हैं। अलास्का में एक डॉग की रेस होती है, इंटर अलास्का रेस, कब होती है वो, सर्दियाँ जब पड़ रही होती हैं, और वो इतनी फेमस है वो रेस, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कि वो डॉग की ही आपकी वो सवारी होनी चाहिए, उसके पीछे आप जो भी
माउंट लगा रहे हैं, डॉग से बांध रहे हैं, वो होता है। और वो रेस एक साल में कुछ ही लोग कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत अच्छी वो है, डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीज़ है, आप उसे देखिएगा अगर टाइम है तो। द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर दम मिल्क, मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, हाइड्स जो भी एनिमल से मिलता है वो मिलता है। याक का भी मिल्क होता है, वो किस लिए यूज़ करते हैं, चीज़ एंड बटर के लिए यूज़ होता है। द हेयर ऑफ सीप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वूलन्स, और कपड़े बनाने के लिए काम आती हैं। चिरू का भी होता है, गोट का भी होता है, सीप का भी होता है। फर्दर, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। तो प्लीज़ विलो की इमेज निकालिए, उसको देखिए, वो ट्रीज कैस ट्री कैसा लगता है, क्या उसकी पत्तियाँ छोटी हैं या बड़ी पत्तियाँ हैं, जैसे साल और सागवान की होती हैं, या फिर वो नीम जैसी हैं कि ना छोटी हैं ना बड़ी हैं, और वो लंबा रहता है या फैलता है आकार में, जैसे बरगद है वैसा है या फिर यूकेलिप्टस जैसा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए। पीपल की बात करें, डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल्स ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? यस, जो इनका ओरिजिन है मेनली, जो लद्दाख वाले रीजन है, वो मेनली किससे ट्रेड वगैरह करते रहे हैं सदियों से, जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं या चाइना के लोग हैं वहाँ से। तो इनका अगर एज ए ह्यूमन रेसेस जिनकी बात करते हैं, तो इनकी रेस कौन सी है, बेसिकली मंगोलॉइड या फिर इंडो तिब्बतन रेस के हैं, जो कि ये उनसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस कहते हैं। ऑल दो रेस जैसा कंसेप्ट मॉडर्न साइंसेज नहीं मानती हैं, फिर भी लेकिन हमें क्लासिफिकेशन कभी कभार पढ़ना पड़ता है कि जनरल रिजेम्बलेंस देखें, हम आउटर अपियरेंस देखें तो कैसे दिखते हैं, इसका इंटेलिजेंस या फिर आप कह लीजिए सुपीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी, प्योरिटी, इम्प्योरिटी से रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक क्या है, ऊपर का आवरण आपका कैसा है, आपके जहाँ आप रह रहे हो उन पीपल, उन लोगों का जनरली कैसा है, इससे इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये बात याद रखना है। सो तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया के लोगों से ये मैच करते हैं। द पीपल हेयर आर आदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। वंस अगेन, बुद्धिस्ट का जो इन्फ्लुएंस आया है वो तिब्बत से आया है, एंड मुस्लिम्स हमेशा से सेंट्रल एशिया, मंगोलिया वगैरह से यहाँ से ट्रेड करते रहे हैं, तो वहाँ मैक्सिमम मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट ही मिलेंगे आपको। आप इसका पॉपुलेशन डेटा निकालिए, चेक कीजिए कि बुद्धिस्ट कितने परसेंट हैं, क्या बुद्धिस्ट मेजोरिटी में हैं या मुस्लिम मेजोरिटी में हैं, और अगर हिंदू या और भी कोई जो रिलीजन के लोग हैं वो कितने परसेंट में हैं वहाँ, ये देखिए। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल वम्पास। इनके कुछ स्पेशल, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, तो मंदिर कई तरह के हो सकते हैं। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में अलग मंदिर मिलेगा आपको, अलग टाइप का, नॉर्थ इंडिया में अलग मिलेगा, कर्नाटक साइड में अलग जाएंगे। तो इनके ट्रेडिशनल मंदिरों का डिज़ाइन कैसा है, गोम्पास, जो कि तिब्बत से थोड़ा सा अलग है, वो यहाँ मिलते हैं। सम फेमस मोनेस्ट्री और जनरल, इन जैसे हम हिंदुओं में मंदिर बोलते हैं अपने वर्शिप की प्लेस को, मुस्लिम्स में मॉस्क बोलते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, उन्हें मोनेस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, थिक्से, से एंड लामायुरु। प्लीज हेमिस एंड थिक्से का आप नाम याद रखिए कि कहाँ है, लद्दाख में है। ये दोनों यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं कि ये कहाँ है। यहाँ थिक्से मोनेस्ट्री का एक वो भी दे रखा है इन्होंने, इमेज भी, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। और मोनेस्ट्री का जो डिज़ाइन है वो करीब करीब, आप चाइना की अगर मूवी देखते हैं कोई, जो कि हिंदी ट्रांसलेटेड हो, इंग्लिश ट्रांसलेटेड हो, तो आपने डेफिनेटली मोनेस्ट्री देखी होंगी या उनके पूजा की जगह देखी होगी। तो वो कई मल्टी लेयर होती है, और जो हर एक लेयर का सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो ये हो गया। इन द समर सीजन, समर सीजन में ये लोग जो वैली है जहाँ से रिवर बह रही है, जो नीचे वाला एरिया है, माउंटेन पास वाला एरिया है, वहाँ पे क्या उगा लेते हैं, बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप, ये सारी चीज़ें उगा लेते हैं। इसके अलावा भी वहाँ ट्यूलिप वगैरह भी होते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर इज सो हार्श दैट पीपल कीप देम सेल्व एंगेज इन फेस्टिवल एंड सेरेमोनीज। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, सब जगह वुमेन हार्ड वर्किंग होती हैं, प्लेन्स में भी हो चाहे वो पहाड़ की हो, सारी वुमेन हार्ड वर्किंग होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स, खाना
खाली घरों में फील्ड्समैन काम नहीं करती हैं बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है कुछ कुछ कल्चर्स का, चाहे वो लद्दाख का हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हो, कि जैसे हमारे यहाँ इन जनरल कल्चर दिल्ली वगैरह में अगर दुकान निकाली है तो उस पर मेनली बेसिकली किसके लिए निकली है, वो लड़के के लिए निकली है या आदमी के लिए जो हेड है फैमिली का, मेल हेड है उसके लिए निकली है, वही दुकान पर बैठेगा, औरतें कहाँ रहेंगी घर में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ मैट्रिलिनियल सिस्टम चलता है या मैट्रियार्की चलता है, जहाँ औरतों की भी से बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक्स और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनमें, तो वहाँ ऐसा होता है कि जो छोटी बिजनेस हैं शॉप्स हैं उनमें भी ये आराम से बैठी हुई दिख जाएंगी। ये आपको एक और जगह दिखेगा, शिलोंग की मार्केट्स में जाएंगे मणि मेघालय में तो भी आपको ये दिखेगा। लेह है द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाई रोड एंड एयर। रेलवे यहाँ नहीं पहुँचती है और एयर का भी जो कनेक्शन है वो यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, वो हेलीकॉप्टर से, याद रखना है। अभी अगर गवर्नमेंट का कुछ प्लान हो तो हो सकता है आगे हो जाए। और जो रोड्स हैं वो भी क्या है, सीजनल है। कश्मीर से आप जाओगे तो सर्दियों में वो बंद हो जाता है, अभी टनल वगैरह बना रहे हैं अंडरग्राउंड जिससे वो सर्दियों में बंद ना हो, पर फिलहाल सीजनल है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर, जो J&K की कैपिटल है, समर कैपिटल, उससे कौन किस मार्ग से कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे 1A थ्रू द जॉजीला पास, कश्मीर की जो वैली है श्रीनगर उससे किससे कनेक्टेड है, NH1A से। और पास कौन से माउंटेन पास के थ्रू जाता है ये रास्ता, जॉजीला। अभी लोकेशन देखते हैं, फिलहाल नाम याद रखिए, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। कैन यू नेम सम मोर माउंटेन पासेज इन द हिमालयाज, अभी बात करते हैं, मैं आपको 4-5 बताऊँगा, वो आपको याद भी रख लें। सो एक तो रास्ता हो गया कश्मीर से जाने का, कश्मीर की जो वैली है श्रीनगर से, वहाँ से जाने का। और एक रास्ता है मनाली हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से भी जाता है। तो मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, तो ये कौन कौन से हैं, रोहतांग, बारालाचाला, लोंगालाचाला, देखिए ला सब में लग रहा है, इसका मतलब माउंटेन पास का होता है ला का मतलब, एंड थंगला थंगलांगला। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर व्हेन द स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, एक्सीडेंट से बचने के लिए या इवन उस पर चलने लायक बनाने के लिए उस रोड से हमें स्नो क्लियर करनी पड़ेगी। और वो कब हो पाती है, जो एक्सट्रीम समर का सीजन रहता है नॉर्दर्न इंडिया में, तब ये हो पाता है। सिंस ये सीनेटिक प्लेस है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, और आप कह लीजिए ग्रोव्स हैं, जो कल्चर है पीपल का वो भी अलग है, तो बेसिकली यहाँ क्या फ्लोरेस करता है, टूरिज्म एक्टिविटी, जो भी उनकी सब्सिस्टेंस की एक्टिविटी है जिनसे वो अपना गुजारा बसेरा करते हैं, उसके अलावा अगर मेजर कुछ वो आता है इनके लिए, इनकम आती है वो किससे आती है, टूरिज्म से। ट्रेड ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। कश्मीर को और लद्दाख को हम बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड से भी सुंदर हैं, तो यहाँ इंडिया के लोग भी जाते हैं और फॉरेनर्स भी आते हैं। आपने अगर इनका नाम सुना होगा, इन महाशय का, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, ठीक है, इको आप कह लीजिए नेचुरलिस्ट है, मैंने बताया था एक लेक्चर में आपको नेचुरलिस्ट क्या होते हैं। ये अपनी जो ट्रेडिशन है, कल्चर है लद्दाख का, और जो भी वहाँ नेचुरल प्रॉस्पेरिटी है लद्दाख में, जो वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, लैंड फॉर्म्स है, प्योरिटी ऑफ रिवर्स है, उन सब को बचाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उन्हें कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और अगर आपको और जानना है लद्दाख के बारे में तो इनके इजीली यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल हैं, आप वो देखिए। विजिट्स टू द गोम्पास, जो इनके ट्रेडिशनल मोनेस्ट्री हैं छोटी छोटी, जो कि अपने यहीं लद्दाख में आके डेवलप हुई हैं, थोड़ी सी चेंज होंगे हो गई हैं तिब्बत वाले पार्ट से, वहाँ भी लोग आते हैं। ट्रैक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स, बताया था स्नो लाइन के ऊपर क्या उगता है, सिर्फ कुछ ग्रासेस वगैरह जिनमें फूल खिलते हैं, ऐसे ग्रासेस के लैंड को हम क्या बोल देते हैं, मीडोज। अच्छा, एक ग्रासेस के लैंड जिसमें बहुत फूल खिलते हैं, जो कि नेशनल पार्क है, वो क्या है,
वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन नंदा देवी उत्तराखंड में एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, जिसमें अगस्त और सितंबर में क्या है, वो जो वैली है, वैसे तो वो बर्फ से ढक जाती है सर्दियों में, वो जो वैली है दो माउंटेन्स के बीच में, जैसे ही बर्फ हटती है और सनलाइट मिलती है उसे, पूरा ऐसा लगता है कि जैसे कईयों किलोमीटर तक हरी घास हो और रंग बिरंगे फूल खिल रखे हों। तो वो इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बना दिया है, एक नेशनल पार्क भी उसे घोषित कर दिया है, वैली ऑफ फ्लावर इन उत्तराखंड। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़। जो टूरिस्ट जाते हैं वो इनके कल्चर को भी देखते हैं, जो वहाँ सीनरी है, जो नेचुरल ब्यूटी है उसे भी देखते हैं, और जो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है एक क्लाइमेट में, अलग क्लाइमेट में रहने का, उसे भी वो एक्सपीरियंस करते हैं और ट्रैकिंग वगैरह भी करते हैं। फर्दर जो ठंडों में, हाँ एक बात, ठंडों में इतनी ठंड पड़ती है वहाँ सर्दियों के टाइम पे, मतलब जून जुलाई, जो सॉरी जनवरी फरवरी और ये वाला जो दिसंबर जनवरी फरवरी, इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ आप घर से निकलोगे तो बेसिकली बहुत ही एसेंशियल होगा लाइफ के लिए तो ही निकलोगे, तो फिर आप क्या करोगे, फेस्टिवल वगैरह मनाओगे, उस टाइम घर के अंदर रहोगे, जो भी सोशल एक्टिविटी है वही करोगे, फालतू की एक्टिविटी नहीं करोगे। तो मैक्सिमम टाइम पे विंटर्स में ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों में रह के ही और उसे छुट्टियां मान के और जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं वो मनाते हैं, कि जब सर गर्मियाँ आए तो हम फिर से अपने काम पे लग जाएं और अभी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लें। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। ये बहुत बड़ा इशू है, डेवलपमेंट के नाम पे हम नेचुरल चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, सारी रिपोर्ट से ही बोलती, लेकिन पहले जहाँ हम कभी नहीं पहुँचे थे, लद्दाख हो गया और भी एक्सट्रीम रीजन हो गए, वहाँ भी जाके ह्यूमंस ने अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए काम ऐसे शुरू कर दिए हैं कि वहाँ की जो भी जियोलॉजी है, जो भी रॉक्स है या फिर जो भी फ्रेजाइल लैंड सिस्टम है वहाँ का, या क्लाइमेट है या पानी है या फिर वाइल्ड लाइफ है, सबको बर्बाद करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, लद्दाख में टूरिज्म की वजह से इतना कचड़ा होने लगा है कि वो कई सालों तक पड़ा रहता है, क्योंकि वो सड़ता भी नहीं है, कूल क्लाइमेट है और वो एक प्रॉब्लम बन चुका है ऑलरेडी। देन गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि जो माउंटेन रेंजेज हैं जिनमें से नदियाँ बह रही हैं उन पर डैम बना के वो क्या करेगी, यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक की व्यवस्था करेगी। हो सकता है ये ह्यूमंस को देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन जो वैली में पानी भरने वाला है वहाँ कई सारे गांव डूबने वाले हैं, सिटीज़ भी डूबने वाली हैं, और जो भी नेचुरल वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन है वो भी ख़त्म होने वाली है वंस और फॉर अदर, क्योंकि ये क्या है, फोल्डेड माउंटेंस हैं जो कि किससे टकराने से बने प्लेट्स के, तो इसमें क्या है, दरारें रहती हैं बहुत नीचे तक, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लीजिए डैम का, ये खतरा रहता ही है माउंटेंस के डैम में कि वो कभी भी टूट सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आने लगी हैं, और ये सोनम वांगचू जी जिनकी मैंने बात की थी, ये इस बात में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई हमें अपना जो है हैबिटेट बर्बाद नहीं करना है सिर्फ कुछ पैसों के लिए, हमें अपनी जो सभ्यता है या अपना जो नेचुरल क्लाइमेट है उसे बर्बाद नहीं करना है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर। ड्यू टू स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल दे आर यूज विद रेवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। सदियों से क्या होता आ रहा है, बाहर से तो कुछ नहीं आता था, जो इनके पास है उसी भाई उसी से गुजारा चलाना पड़ता था, जो भी एनिमल्स या फसलें होती हैं, तो ऐसे में इन्होंने कभी कोई भी चीज़ वेस्ट करना नहीं सीखी, जो कि मॉडर्न लाइफ में क्या है, आप एक जोड़ी जूते मंगवा रहे हैं और चार चीज़ें रैपिंग के उसके अराउंड आपकी बर्बाद हो रही हैं, तो इन्होंने कभी वेस्ट करना नहीं सीखा और इसीलिए ये जो बैलेंस है वो बना हुआ है फिलहाल तक, लेकिन ये डिस्टर्ब हो रहा है अभी लद्दाख के एरिया में भी। टूरिज्म भी एक्सट्रीम हो गया, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है, जो पहाड़ों को काट दिया जाता है रोड और रेलवे के लिए उससे भी प्रॉब्लम आ रही है, रिवर्स पे जो बांध बनाए जा रहे हैं उससे प्रॉब्लम आ रही है, और ओवर कंजम्पशन से जो लैंड और एयर का पॉपुलेशन हो रहा है, लैंड एयर वाटर का, वो भी प्रॉब्लम आ रही है। ये तीन चार चैप्टर जो हमने किए हैं दो चैप्टर में, जो चार आप कह लीजिए चार क्लाइमेट में लाइफ की बात की है, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं यूपीएससी और प्री और मेंस के हिसाब से, कि इनके हर पैराग्राफ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी के, और अगर नहीं आया है किसी पैराग्राफ से तो वो आ जाएगा। इनकी एक एक लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी आपकी
नॉलेज सरफेसियल चेक नहीं करती है, वो बहुत डीप तक चेक करती है कि आप वास्तव में उनके कल्चर से भी वाकिफ हैं। अगर आपको लैंड फॉर्म पता है और वहाँ की क्लाइमेट पता है, उससे काम नहीं चलेगा। ये बताओ कि वहाँ जो लोग रहते हैं उनके बारे में आपको कुछ पता है या नहीं है, क्योंकि वो भी इंडिया का पार्ट ही है, या वो भी इकोसिस्टम है या वर्ल्ड का पार्ट है। तो जैसा मैंने बोला था, इन चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगा, इनको आप अच्छे से पढ़िए और एक्सप्लोर कीजिए, अपना इंटरेस्ट उसे बढ़ाइए, फिर देखिए आप लाइफ में एग्ज़ाम के साथ साथ और क्या कर सकते हैं। मेरा ये मकसद था इन चार लेक्चर्स का, जो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका भी मैंने ऐसा रखा कि वो आपको इंटरेस्ट आए और आप इनमें आगे बढ़ें। सो थैंक यू। कल से या नेक्स्ट लेक्चर से हम 8th क्लास की NCERT शुरू करेंगे, और 6th की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 7th की आज हो गई है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम 8th की करेंगे। तो 8th जैसे ही 8th ख़त्म होगा, हमारा पूरा फंडामेंटल ज्योग्राफी है, जो बेसिक ज्योग्राफी है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको 9th 10th की नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें यही चीज़ रिपीटेड है। मैं आपको 11th 12th की पढ़ाऊंगा, जिसमें थोड़ी और ज़्यादा नॉलेज है और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है, और वहाँ फिर आपके इससे हो जाएगा, बेसिक इससे बन गए, उसमें थोड़ा थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू।